अवधेश भी अगर हमारे पास गाते हैं तो उनके पास कलाकारी है और जो भी है वो अगर हम उनके वॉइस में ना ऑटो ट्यून कोई भी कुछ भी नहीं लगाएंगे फैक्ट ना, तभी उनका अच्छा क्वालिटी आएगा। स्टूडियो का कोई भी वीडियो नहीं देखिएगा यूट्यूब पे कि हाँ सिद्धि रिकॉर्ड में आज अवधेश प्रेमी में गाए, धनंजय धड़कन गाए। स्टूडियो की बात नहीं करना, हाँ आजकल के राइटर हैं कि घूमने आए, यारी दोस्ती है हमसे आपसे, आप आए पीछे बैठे हैं और प्रमोद भाई क्या हाल है ये वो करके अब पता चलता है कि उसका मैटर अपना रिकॉर्ड किए लोग। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे हुआ है कि अब क्या बता सकता आदमी, लेकिन ऐसे राइटर लोग से कहेंगे कि भैया ये सब छोड़ दीजिए, किसी कलाकार का आप करियर मत खाइए, हाँ दम है तो अपने से लिखिए, अपने से गवाइए। जी जी, मैंने देखा है लोग स्टारों को बुला के गवाते हैं अपने यहाँ, ठीक जी जी, उनसे वीडियो बनाएंगे, उनसे बुला के गवाएंगे, और बहुत से सिंगर ऐसे भी होते हैं कि उन्हीं को देखकर कि फलनवा ऐसे गाता है, यहाँ से गाता है, हम भी गाएंगे यहाँ से गाएंगे, और उनको मन मुताबिक जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो बाहर आके फिर गाली देते हैं। इस पर लोग होता है कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो डमी लेके करोके पे गवा दे, करोके जो होता है हिंदी सॉन्ग का, या ऐसे कुछ करके फ्रॉडगिरी कर लेते हैं और किसी धुन से मिलता है जी, तो जी, वही म्यूजिक कॉपीराइट ये सब गवा देते हैं। तो हम बीट या स्केल क्या 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 करना है, कहाँ सुर क्या लगाना है, पूरा नॉलेज होता है, बहुत अच्छा गाते हैं। कोई कोई होते हैं कि दो दिन भी गवाए तो दो दिन क्या दस दिन एक महीना भी टाइम देते हैं, गाना गा नहीं सकते। आप भी प्रताड़ना के शिकार हुए हैं भोजपुरी? जी जी बिल्कुल, यानी कि आपके साथ भी खेला हुआ। हम ये चाहे ना कि जैसे हमारे साथ हो रहा है वैसे और लोगों के साथ ना हो। लड़का ऐसा है कि आज तक ना बीट से गा पाया, ना सुर में, ना ताल में कभी, अब वो हमको शौकिया। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं BCT मीडिया। वैसे हम हैं गणेश नगर नई दिल्ली में और सिद्धि रिकॉर्ड्स में है, तो सिद्धि रिकॉर्ड्स में हैं तो कुछ खास और स्पेशल होने ही वाला होगा, क्योंकि हमारे साथ में बैठे हैं बड़े ज़बरदस्त म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, कंपोज़र हैं, बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ काम करने में। हमारा भी काफ़ी दिनों का कॉन्फिडेंस है, जब कोई ब्रांड गाना आता है दिल्ली के मार्केट से या तमाम चैनलों से, तो कहीं ना कहीं सिद्धि रिकॉर्ड्स का इसमें हाथ होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करते हैं कुछ खास और स्पेशल बातचीत प्रमोद जी से। जी प्रमोद जी, स्वागत है आपका BCT में। सबसे पहले सब भोजपुरी समाज के प्रणाम नमस्कार, और जितना भी BCT न्यूज़ के माध्यम से लोग देखा था, सब कोई के गुड़ छू के प्रणाम बा, नमस्कार बा। कैसे? बहुत बढ़िया, और वह बताई कृष्ण वानी। ठीक है, सब बढ़िया है। वैसे तो होली का बड़ा ज़बरदस्त भीड़ रहा होगा जी, होली के कंटेंटों का, क्योंकि भाई सीमित समय है जी। कैसा रहा होली? बहुत बहुत अच्छा रहा, और बहुत अच्छा अच्छा गाना भी होली का बना। बाकी अब जैसे किन किन कलाकारों का, जैसे ब्रांड में देखा? ब्रांड में जैसे अवधेश भैया हो गए अपना, और शैलेश प्रेमी जी हो गए, और बहुत सारे जो भी अपने गणेश नगर में जो दिल्ली में अभी प्रेजेंट टाइम रह रहे हैं, उनका सबका प्रोजेक्ट अपने यहाँ से होता है, और खासकर अवधेश भैया भी बहुत ज़्यादा हुआ है अपने यहाँ से होली का, यही है। बाकी बहुत अच्छा अच्छा हुआ है। बहुत से लोग वीडियो में देखेंगे तो आपको कहेंगे कि भाई प्रमोद भाई अभी बड़े छोटे हैं और जो है इतना बड़ा धमाल कैसे करते हैं, राज क्या है? बस माता रानी की कृपा। और कितना दिन से मतलब स्टूडियो में लगे हैं? चार साल से जी, कंटिन्यू जी, काम कर रहे हैं जी। अच्छा, चार साल एक लंबा अनुभव हो जाता है कोई जब काम करता है जी, जी। तो एक लंबा अनुभव हो जाता है, और वहाँ पर फिर उम्र जो है मायने नहीं रखता, उम्र जो होता है भाई कोई भी काम कोई करता है तो उसका एक आदत सी बन जाती है जी, सुधार जी, आ जाता है जी, जी। और कुछ चीज़ें हैं कि मान लिया हम आप बहुत मेहनत कर लें, अब बहुत से सिंगर ही ऐसे हैं कि जो बेसुरे होते हैं उनको कितने भी लाइन पे लाओ तो नहीं है जी, जी, समझ में आता है उनको, लेकिन कुछ सिंगर ऐसे भी होते हैं कि जिनकी पकड़ बचपने से होता है, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं और वो बड़ा जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी। लेकिन कोई कोई ऐसे सिंगर आते हैं जो पहले बार स्टूडियो में आएंगे और माता रानी उनको इतना कुछ दी रहती है कि तुरंत के बीट या स्केल क्या 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 करना है, कहाँ सुर क्या लगाना है, पूरा नॉलेज होता है, बहुत अच्छा गाते हैं। कोई कोई होते हैं कि दो दिन भी गवाए तो दो दिन क्या दस दिन एक महीना भी टाइम देते हैं, गाना गा नहीं सकता है, तो ऐसे भी होते हैं। अब क्या करिएगा, सबको देखना पड़ता है। और आजकल तो ये हो गया है कि बस कलाकार लोग सीखना नहीं चाहते हैं, बस हाँ बस कहते हैं चलो भाई यार दोस्त चार मिले, कहे कि भाई पैसा मिला हो चलते हैं, लोग गाना गाते हैं। हाँ, सबसे पहले तो आजकल के लड़के ये भी हो गए हैं कि कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो सोच रहे हैं कि इस लाइन में आपका शुरुआत कैसे हुआ, मैं यही पूछना चाहता था। जब हम भाई एक्सप्लेन कर रहे थे जी जी कि
जो गॉड गिफ्टेड होते हैं जी, उनको जी, ज्यादा जी. समय नहीं लगता है किसी भी काम करने के लिए. जी जी जी. आपका शुरुआत कैसे हुआ कि आप म्यूजिक डायरेक्टर बने? देखिए हम भी सिंगर ही बनने आए थे. ठीक है, सिंगर बनने आए, फिर डमी वगैरह दिया स्टूडियो में, तो थोड़ा बहुत हमको लगा कि नहीं स्टूडियो में मतलब गा के कुछ हमको नहीं लग रहा है कि होने वाला है. जैसे हुआ था डमी दिए, लोग होता है कि कुछ लोग होते हैं जो डमी लेके करोके पे गवा दे, करोके जो होता है हिंदी सॉन्ग का, या ऐसे कुछ करके फ्रॉडगिरी कर लेते हैं. ले लिया और किसी धुन से मिलता है जी, तो जी, वही हाँ म्यूजिक कॉपीराइट ये सब गवा देते हैं. तो हम इस सब चीज़ों को झेल के फिर देखे कि नहीं कुछ अपना ही करते हैं. फिर हमने बहुत तो सीखा नहीं, लेकिन हाँ ऐसे क्या हुआ कि स्टूडियो डाले और माता रानी की कृपा हुआ कि धीरे धीरे सीख गए सब, और अब अच्छा हो गया. आजकल बहुत अच्छा जा रहा है प्रोजेक्ट, सारा बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो अपने स्टूडियो से हिट रहा. मतलब आप भी प्रताड़ना के शिकार हुए हैं भोजपुरी? जी जी बिल्कुल. यानी कि आपके साथ भी खेला हुआ? हम ये चाहे ना कि जैसे हमारे साथ हो रहा है वैसे और लोगों के साथ ना हो. हम अच्छा से, और हमारे यहाँ जो भी कलाकार एक बार आ जाता है, जो भी सिंगर आ जाता है, हमको लगता नहीं है कि दोबारा किसी स्टूडियो में जाने की ज़रूरत होती है. इतना उसको अच्छा तरीका से गवाया जाता है और अच्छा तरीका से मिक्स करके आदमी उसको खुश करके भेजा जाता है कि भाई. मैंने देखा है प्रमोद जी जो बहुत मेहनत करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं. जी जी. उन पर लोग जो है ट्रस्ट नहीं लेते, मतलब विश्वास जल्दी नहीं करते. नहीं करते हैं ये बहुत, क्योंकि उनको लगता है कि भाई अगर आप सही चीज़ बताओगे तो संभवतः सही चीज लोगों के माइंड में जल्दी नहीं बैठता है. जी जी जी. वो सोचने लगते हैं कि मतलब इनका कोई निजी फायदा होगा. ऐसा जी होता जी है? ऐसा बहुत होता है. ऐसे तो अगर हम अच्छे से जैसे किसी कलाकार से बात कर लेते हैं, हाँ जो होते हैं प्रोफेशनल जो दिखाने में. अब हमारे ऐसा कुछ डेकोरेशन नहीं है कि बहुत अच्छा है भी स्टूडियो का डेकोरेशन कर रखे हैं. ठीक है, वैसा कुछ नहीं है, बस छोटा मोटा एक स्टूडियो है. लेकिन हमारा जो बात व्यवहार है, कोई कोई सिंगर होते हैं कि कभी नहीं जाते हैं, कोई कोई सिंगर होंगे बस बात करके, यानी हम सच्चाई बता देते हैं कि भाई इतना लगता है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होगा, ये होगा, तो वो कहते हैं कि भाई चलो इसके पास कुछ नहीं होने वाला. अच्छा, मैंने देखा एक चलन सा बन गया है बहुत से स्टूडियो में. मैंने देखा है, वैसे तो स्टूडियो का टोटल अपडेट रखते हैं. जी जी. मैंने देखा है लोग स्टारों को बुला के गवाते हैं अपने यहाँ. ठीक जी जी. उनसे वीडियो बनाएंगे, उनसे बुला के गवाएंगे. और बहुत से सिंगर ऐसे भी होते हैं कि उन्हीं को देख कर कि फलनवा ऐसे गाता है, यहाँ से गाता है, हम भी गाएंगे, यहाँ से गाएंगे. और उनको मन मुताबिक जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो बाहर आके फिर गाली देते हैं. इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे यही कहेंगे कि देखिए भैया, और अवधेश भैया अगर हमारे पास गाते हैं तो उनके पास कलाकारी है, और जो भी है वो अगर हम उनके वॉइस में ना ऑटो ट्यून कोई भी कुछ भी नहीं लगाएंगे इफेक्ट ना, तभी उनका अच्छा क्वालिटी आएगा. जो भी स्टार सिंगर है वो संगीत थोड़ा सा नॉलेज है संगीत का, बहुत सारा पकड़ हो चुका पकड़ हो चुका है. अब लड़के सोचते हैं कि उन लोग पे बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, हमको टाइम नहीं देते हैं, हम पे क्या करते हैं, हम लोग का बिगाड़ देते हैं. और देखा जो अच्छे कलाकार हैं जिनके पास एक्सपीरियंस लॉन्ग टाइम, ज्यादा ज्यादा 5-10 मिनट में गा के निकल जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और ये जो होता है वीडियो, तो वीडियो क्या हुआ कि बनाने के लिए एक बस वही से क्लिप ले लेके और ज़्यादा बड़ा करने के लिए बस वो थोड़ा सा हो जाता है. बाकी ऐसा नहीं लगता है कि स्टार लोग जो हैं एक्सपीरियंस हो गया है और कलाकारी भी है तो वो लोग इतना टाइम लेते हैं. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस कलाकार लोग का एक वो है उनके पास कॉन्फिडेंस है. हाँ जी. ज़्यादा मेहनत करना नहीं होता है और नए सिंगर जो है इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं. समय नहीं देना चाहते हैं. जी जी. तुरंत अवधेश प्रेम और जी हमारे बात ये होता है ना, देखिए हम आज तक अब हम हमारा स्टूडियो का कोई भी वीडियो नहीं देखिएगा यूट्यूब पे कि हाँ सिद्धि रिकॉर्ड में आज अवधेश प्रेम गाए, धनंजय धड़कन गाए. स्टूडियो की बात नहीं करना, बहुत से ऐसे स्टूडियो वो क्या है ना वो जानते हैं वहाँ पर लोगों को जी जी जो है दुनियादारी करके और लड़के समझ पाते नहीं हैं, चले जाते हैं और फिर फंस जाते हैं. वो क्या आता है इसीलिए बना ही जाता है ताकि लड़के आए और बस क्लाइंट बनाने के लिए सिंगरों को लूटने के या जो भी अब कहें हम. ठीक है, अगर कलाकारी रहेगा अपने स्टूडियो का क्वालिटी रहेगा तो उसमें एड तो लगबे करता है सर. एड से बहुत सारे लड़के हैं जो किसी ना किसी थ्रू आ ही जाएंगे. जी जी. अब वीडियो बना के डालना ये करना हमको ना अच्छा लगता है. हम अब आज तक किसी जो भी हमारे पास आए बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए लोग सिंगर लोग आए लेकिन आज तक किसी का वीडियो नहीं डाले. हाँ बना लेते हैं कभी कभी मस्ती मजाक में छोटा सा वो रील्स वगैरह बना लेते हैं बट वो भी हाँ जी जी. चलिए अब एक और हम सवाल आपसे करेंगे क्योंकि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं सिटी रिकॉर्ड्स के जी जी और एक लंबा तजुर्बा भी हो चुका है बहुत समय में. जी जी जी. उम्र छोटी है अगर एक हिसाब से देखा जाए एक लिहाज से देखा. वैसे तो मैंने देखा है बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको भी म्यूजिक लाइन से संगीत लाइन से इंटरेस्ट है और वो वायरल हैं. जी वायरल. लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जैसे देखो
जब कोई सिंगर पहली बार जी मान लिया हम सिंगर हैं ठीक जी जी तो पहली बार हमें गाना गाना है तो हम क्या जानते हैं कि भाई स्टूडियो में जाएंगे और गाना गाएंगे जैसे अवधेश प्रेमी गाते हैं या धनंजय धड़कन या खेसारी लाल या पवन सिंह जी जी ऐसे हम भी गाएंगे। लेकिन जब हम पहली बार आते हैं स्टूडियो में तो हमें बहुत कुछ चीजें जानकारी नहीं होता जैसे रिदम हो गया टेम्पो हो गया हाँ, जी, स्केल जी, नहीं समझ पाते जी, हैं जी, वोकल रूम में जाते हैं तो हॉपलेस हो जाते हैं बढ़िया से गा नहीं पाते हॉपलेस हो जाते डर जाते हैं डर जाते हैं और फटाफट किसी तरह गा भी लेते हैं तो बाद में हमें समझ में आता कि नहीं हमसे गलती हुआ। तो ऐसे सिंगरों को कैसे मैनेज करते हैं क्या आपके पास से एक्स्ट्रा कुछ है कि ऐसे सिंगरों को मतलब बढ़िया से गवाया जाए। देखिए ऐसे सिंगरों को गवाने के लिए एक ही तरीका है सर कि हम उससे प्यार से बर्ताव करें और बहुत प्यार से बहुत स्टूडियो में होता है ना कि नए सिंगर जो होते हैं नए कलाकार होते हैं जो जब गाते हैं तो वो भाई कैसे गा रहा है ये गा रहा है ए भाई ठीक से गाओ ना होता है ना तो ऐसे नहीं होना चाहिए थोड़ा सा प्यार से उसको टाइम उसको रिदम आप कैसे पकड़ाते हैं क्योंकि रिदम के विषय में तो बिल्कुल जानकारी नहीं। देखिए टेम्पो के विषय में उसको बिल्कुल जानकारी नहीं है। कोई कोई कलाकार ऐसे होते हैं कि जो ट्रैक पर नहीं गाते हैं अगर ऐसे हम गा रहे हैं साथ में बहुत अच्छा गा लेंगे लेकिन जब ट्रैक प्ले करेंगे और कहेंगे भाई हाँ आओ जब टेक लेना चालू करेंगे तो होपलेस हो जाते हैं गा नहीं पाते हैं। तो उसे एक होता है कि क्या करेंगे हम कि डायरेक्ट ट्रैक को साइड करके ऐसे बिना रिदम के भी गवा लेते हैं गवा के और मेहनत करना पड़ता है मिक्स करना। ये होता है कि अपने सब वॉइस गा देते हैं गा के उसका लेवल जो होता है जो ग्राफ होता है ग्राफ मिला के कुछ मैनेज करके बना के दे देता है आदमी की चलो भाई कुछ तो इसके अंदर आए कि फिर दोबारा अपना कोशिश करें। हाँ बाकी जब गा के निकलता है तो उसको बहुत सारे चीज़ें समझाया जाता है बताया जाता है कि बाबू ये कमी है आप में और ये ऐसे है वैसे है तो कुछ दिन दो चार गानों में धीरे धीरे समझ जाता अच्छा है। संभवतः उसमें कोई नया सिंगर में सुधार कब से आना शुरू होता है कितना गाना गा लेता है। देखिए बात ये होता है कि उसके अंदर सोचने का क्षमता और समझने का होना चाहिए बाकी तो वो एक ही गाना में समझ जाएगा कि हम क्या हमारे अंदर कमी है। तू अपना अगर सुधारना चाहे तो दूसरा गाना बहुत अच्छा ही गा लेगा बहुत अच्छा सा अच्छा गा लेगा। बट कोई कलाकार होता है कि बस गया और किसी कंपनी में काम कर रहा है जॉब कर रहा है और संडे को छुट्टी है बस पहुंच गया गाना लेके किसी राइटर से लेके या यूट्यूब से भी होता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे सिंगर राइटर लोग लिख के डाले रहते हैं वो लेके पहुंच जाता है। ठीक है तो सबसे पहले कोई टाइम नहीं है कि कौन कोई कोई तो पचपन दस दस साल से गा रहा है उसको गायकी आज तक नहीं आया जो हमारे साथ चार साल से जुड़ा हुआ कोई कोई लड़का ऐसा है कि आज तक ना बीट से गा पाया ना सुर में ना ताल में कभी वो हमको किया बस बस सौ किया उसको उसे कह चलिए ये सब चीजें थी काम की बात थी क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे ऑडियंस है जो सिंगर हैं जी जी VCT का मतलब होता है कि मैकिंग से संबंधित अपडेट देते हैं जी जी। चलते चलते आखिरी में अपने स्टूडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे ढेर सारे ऑडियंस से। बस हम यही कहेंगे कि हमारे स्टूडियो में आइए। कैसे अगर आपके स्टूडियो में आना है तो कहाँ से आए कैसे आए कैसे सबसे पहले तो अगर बिहार से आते हैं तब आनंद विहार उतरिए न्यू दिल्ली या जितने भी अपने दिल्ली का स्टेशन है रेलवे स्टेशन तो आप आइए या बस अड्डा से तो आनंद विहार उतरिए या न्यू दिल्ली अक्षरधाम आइए अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन या लक्ष्मी नगर आके एक बार हमारे भैया के डिस्क्रिप्शन में जहाँ भी कॉन्टेक्ट नंबर देते होंगे भैया से बोल दीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसलिए नहीं डालते हैं जी कि कुछ चीज़ें होता है कि एक प्राइवेसी के तौर पे जी जी तो आप कॉन्टेक्ट बोल दीजिए कैसे आपसे कॉन्टेक्ट करें। तो वही चीज़ है मान लीजिए अगर आप अक्षरधाम आ जाते हैं या गणेश नगर लक्ष्मी नगर तो सबसे पहले आप आनंद विहार अगर उतरते हैं तो लक्ष्मी नगर आइए या अक्षरधाम आइए अक्षरधाम आके हमारे नंबर पर कॉल करिए या हनुमान मंदिर आ जाइए हनुमान मंदिर से फिर किसी से मंगल मेडिकल का पता पूछ लीजिए। मंगल मेडिकल आने के बाद आप बोलिए कि दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल के पास जाना है तो हमारा पता होगा कि D17 डी ब्लॉक 2 है D17 है अपना मकान बस यानी मंगल मेडिकल और दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल के बीच में ही अपना है जी जी। मोबाइल नंबर क्या है मोबाइल नंबर यही है 80 83 045 160 इस पे आप कंटेंट कर सकते हैं इस पे व्हाट्सएप व्हाट्सएप सब है और हमेशा ऑनलाइन आपको मिलेगा 5 बजे तक 6 बजे तक पूरा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप जो है कीमती समय दिए हैं VCT पर और उम्मीद करता हूँ कि हमारे ढेर सारे जो ऑडियंस हैं या हमारे जो सिंगर भाई हैं वो फ़ायदा उठाएं उपयोग करें क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र में बड़ा अच्छा अचीवमेंट है इनका तो हम चाहते हैं कि सभी के साथ शेयर हो। जी हम ये कहना चाहते हैं बाकी आजकल कुछ राइटर ऐसे भी हो गए हैं ना कि जो बेकाम के घूमते रहते हैं समझ गए सर। हम ये कहेंगे विवाद पे कहेंगे विवाद जो आजकल हो रहा है ये गाना ऐसे ही उड़ता है कि जैसे कोई लड़का आया थोड़ा ठीक ठाक नहीं गाता है बट कोशिश कर रहा है कि गाने के लिए तो आजकल के राइटर हैं कि घूमने आए यारी दोस्ती है हमसे आपसे आप आए पीछे बैठे हैं और प्रमोद भाई क्या हाल है ये वो करके अब पता चलता है कि उसका मैटर अपना रिकॉर्ड किए लोग
बहुत सारे ऐसे बहुत सारे हुआ है कि अब क्या बता सकता आदमी, लेकिन ऐसे राइटर लोग से कहेंगे कि भैया ये सब छोड़ दीजिए, किसी कलाकार का आप करियर मत खाइए, हाँ दम है तो अपने से लिखिए, अपने से गवाइए और आगे जाइए भैया, बस यही कहेंगे। चलिए इस पर एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे कुछ टाइम बाद। जी जी। बाकी दोस्तों आप बने रहिए बीसीटी पर, मिलेंगे नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।